हेलो एवरीवन, ईट एमिशस पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके साथ आटे के हेल्दी केक की रेसिपी शेयर की थी, तो उसी तरह से आज हम आटे के हेल्दी बिस्किट्स बनाएंगे, जिन्हें कि हम विदाउट ओवन कढ़ाई में बेक करेंगे। और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से बनकर निकले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिस्किट्स बने हैं, तो आप भी इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों से बनाना है, सिर्फ चंद ही इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी, जो कि हमारे घर में मौजूद ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ईट यमीशियस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप गेहूं का आटा, और ये वो आटा है जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है, और इस घी को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, रवा बारीक वाला, और यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ली थी जिसे कि मैंने मिक्सी में पीस कर उसका बारीक पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है जिसे कि हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये यूजुअली हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, तो ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और इन्हीं सब बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं 1 कप नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैंने पहले भी कई बार बेकिंग के लिए यूज़ किया है, इसे हम इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहो तो हीटिंग के लिए आप रेत का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एज ए स्टैंड हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ इसमें इस तरह से इस जाली को अरेंज कर रही हूँ। आप कुकी कटर को भी इसमें एज ए स्टैंड अरेंज कर सकते हो। अब हम इसे ढक देंगे और गैस की आँच मीडियम से कम रखेंगे, और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट होने देंगे, गर्म होने देंगे इसे हम। और अब इस गेहूं के आटे में हम ये सूजी मिला लेंगे, और साथ ही ये सोडा भी मिला लेंगे, खाने वाला सोडा, और इसे हम चम्मच से हल्के से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैंने घी डाल लिया है, और इसमें हम पिसी हुई चीनी मिला लेंगे, और इन दोनों को अब हम इस हैंड बीटर से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये क्रीमी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये और भी जल्दी क्रीमी हो जाए। 2 से 3 मिनट, ये देखिए, इसे मैंने 5 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लिया है, और आप देख रहे हो कि ये एकदम से क्रीम जैसा हो चुका है, और हमें इसे ऐसा करना ज़रूरी है। तो अब आप चाहो तो आप बिस्किट को प्लेन ही बना सकते हो, बट मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। इसके लिए आप 3-4 इलायची ले लीजिए और उसे छील करके उसका पाउडर बना लीजिए। इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले 1 मिनट के लिए, और इसमें हम हमारा व्हीट फ्लावर वाला मिक्सचर डाल लेंगे, और इसे हम पहले हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का हो चुका है, तो अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे मस लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मस लेंगे, हल्के हाथों से हम इसे मसल लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने हाथों से हल्का सा मिक्स कर लिया है, और अभी ये थोड़ा सा ड्राई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मिल्क मिला लूँगी, और दोबारा से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा बाइंड हो जाए और इसका एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो की तरह बनकर तैयार हुआ है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टीस्पून दूध डाला है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो अब जिस साइज के हमने बिस्किट बनाने हैं उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डो का पोर्शन अपने हाथों में लेंगे, और फिर सबसे पहले हम इसे हाथों में इस तरह से बाइंड करेंगे। आप बिस्कुट की शेप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी रख सकते हो। तो पहले हम इसे गोल करेंगे और फिर हाथों से ही हम इसे चपटा कर लेंगे। आप बिस्कुट को गोल बना सकते हो, चौकोर बना सकते हो, या कुकी कटर से कट कर सकते हो। तो इस तरह से आप गोल भी रहने दे सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कुकी कटर से इसे शेप दूंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक कुकी कटर लिया है, और इस कुकी कटर से हम इसे कट करेंगे, और इसकी ये जो एक्स्ट्रा साइड निकली है इसे हम नेक्स्ट बिस्किट बनाने में यूज़ करेंगे। तो सभी बिस्किट मैं इसी तरह से कुकी कटर से कट कर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट कट करके तैयार कर लिए हैं, और इन्हें आप प्लेन भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता लिया है जिसे कि मैंने क्रश कर लिया है, तो इसके टुकड़े हम इस पर लगा लेंगे इस तरह से, और हल्का सा हम इसे प्रेस भी कर देंगे। तो आप चाहो तो आप इन्हें प्लेन भी रख सकते हो। तो सभी बिस्किट पर हम इसी तरह से पिस्ता लगा लेंगे और सभी को हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम की ट्रे ली है, और इस पर मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है, और इस पर हम हमारे बिस्किट रख लेंगे।
ये देखिए इन बिस्किट को मैंने इस ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दिया है। इनके बीच में हमें थोड़ी सी दूरी रखनी है ताकि ये जो बिस्किट है आपस में चिपके नहीं और अच्छे से फूल सके, राइस हो सके। एंड इस बिस्किट की जो थिकनेस है वो मैंने तकरीबन 2 सेंटीमीटर जितनी रखी है। आप इससे ज़्यादा भी इसे थिक रख सकते हो या इसे आप पतला कर सकते हो। एंड जितनी थिकनेस कम होगी बिस्किट उतने ही जल्दी बेक होंगे। तो अब ये जो कढ़ाई है ये भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम बहुत ही सावधानी से इस ट्रे को रख देंगे और इस गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, लो कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। बिस्किट्स को बेक होते होते 30 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। जब इन्हें बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके थे तो मैंने इन्हें चेक किया था तो ये थोड़े से कम पके थे, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें हल्का सा कलर भी आने लगा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से और इसे हम एक वायर रैक के ऊपर निकालते जाएंगे ताकि हमारे बिस्किट अच्छे से ठंडे हो जाएं। और सेकंड बैच भी हम इसी तरह से इसमें बेक करके निकाल लेंगे। ये काफ़ी इजीली निकल जाता है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बेक हुए हैं ये। ये लीजिए आटे के ये जो बिस्किट्स हैं ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे ताकि ये कई दिनों तक खाए जा सके। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, ये देखिए पीछे से इनका काफ़ी अच्छा कलर आया है और खाने में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा, आप इन्हें चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो या जब भी आपको भूख लगे तो आप इन्हें खा सकते हो, ये काफ़ी हेल्दी है। और आपने देखा कि इन्हें बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमारे घर में अमूमन मौजूद होती है, तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा। कढ़ाई में भी ये देखिए कितने अच्छे से बेक होकर निकले हैं, तो एक बार तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। और लो फ्लेम पर हमें इन्हें बेक करना है तो 30 मिनट से ऊपर का समय भी हो सकता है इन्हें बेक होते होते। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब इसकी एजेस आपको हल्का सा कलर चेंज करते हुए नजर आए तो ये हमारे बिस्किट्स बनकर तैयार है और फिर इन्हें किसी वायर रैक पर निकाल लीजिए। तो जरूर इन बिस्किट्स को बनाइए, खाइए और खिलाइए। एंड प्लीज ईट यमीशेस को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी कई नई नई रेसिपीज को पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन एंजॉय दिस आटे के हेल्दी बिस्किट्स। Thanks for watching Eat Yummy Shows.